हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अर्थात हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा एक ऐसा अनुभव है जिसमें श्री हनुमान जी ने एक ऐसा असंभव कार्य संभव किया जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या था वो कार्य और कैसे संभव हुआ वो कार्य, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं यूपी के सीतापुर की रहने वाली हूँ और मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ। भैया, पहले मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, बस ऐसे ही शिव चालीसा और गौरी स्तुति नहा कर अपने किचन में काम करते हुए पढ़ लेती थी। आज मैं जो श्री हनुमान जी की कृपा का अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ वो 4 सितंबर 2019 का है। भैया, मेरे पति मेडिसिन कंपनी में MR है जिसके कारण उन्हें सीतापुर शहर और जिले के लगभग सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स वालों को मिलना पड़ता है। 4 सितंबर को भी उन्हें काम से पास के गांव जाना पड़ा था, तो वहां उन्हें एक मेडिकल स्टोर वाले का कॉल आया कि कुछ दवाइयां लेने लखनऊ जाना है कार से, तो तुम भी चलो मेरे साथ। तो मेरे पति ने 4 बजे चलने के लिए हाँ कर दी। मेडिकल वाला और एक डॉक्टर का बेटा जो कि कार चला रहा था, गांव से कुछ दूर निकले ही थे कि उनसे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी और उन लोगों ने उसे सीतापुर शहर तक लिफ्ट देने के लिए उसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। पर जब उसे सीतापुर पहुंचकर उतरने के लिए बोला तो वो कार से नहीं उतरी। काफी कहने सुनने के बाद भी वो कार से उतर नहीं रही थी। और उसी समय मेरे पति भी लखनऊ दवाई खरीदवाने के लिए उन लोगों के पास पहुंचे ही थे कि मेडिकल वाला उस लड़की को हाथ से पकड़कर कार से उतारने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय हरदोई सांसद की गाड़ी वहां से पास हुई और उन्होंने वहां के SP को कॉल करके बोल दिया कि 3 लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, देखो जाकर। SP ने क्राइम ब्रांच कॉल करके देखने को बोल दिया, पर मेरे पति, मेडिकल वाला और डॉक्टर के बेटे ने सांसद की कार पास होते तो देखी, लेकिन सांसद ने SP को और SP ने क्राइम ब्रांच को कॉल की है ये नहीं जानते थे। मेरे पति ने सोचा कि अब तो लेट हो जाएगा लखनऊ जाने में, तो वो शहर के किसी डॉक्टर को मिलने चले गए और क्राइम ब्रांच वालों ने जाकर उस मेडिकल वाले को और उस डॉक्टर के बेटे को पकड़ लिया। उन दोनों से पूछा गया कि तीसरा व्यक्ति कौन था, तो उन्होंने मेरे पति का नाम बता दिया। फिर मोबाइल नंबर पूछकर वो मेरे घर आकर हमसे मेरे पति के बारे में पूछकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपने पति को फोन करके सारी बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोतवाली बात करके 10 बजे तक घर आ जाऊंगा, पर घर में सबको नहीं बताना, नहीं तो सब बेकार में परेशान हो जाएंगे। उनके कहने पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बार बार अपने पति को कॉल कर रही थी पर उनका फोन बंद आ रहा था। मेरे पति रात भर घर नहीं आए। मैं परेशान होकर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर बालकनी में घूमती रही, उनका रास्ता देखती रही, पर मैंने घर पर किसी से कुछ नहीं कहा इस बारे में। सब खाना खाकर सो गए थे। सुबह मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपने देवर को सारी बात बताई और उसे कोतवाली भेजा, पर वहां मेरे देवर को मेरे पति ने बताया कि राजनीतिक दबाव के कारण FIR लिख गई और GD पर केस चढ़ गया है। मेरे पति कभी भी पुलिस या इन चक्कर में नहीं पड़े थे, इसलिए वो FIR या GD के बारे में नहीं जानते थे, जबकि मेरे देवर के पहुंचने तक
FIR या GD नहीं लिखी गई थी। मेरे पति और वो दोनों लोगों से सिर्फ एक पेपर पर साइन कराए गए थे, जिसे मेरे पति FIR समझ रहे थे। जयेश भैया, मेरा देवर अभी सिर्फ 20-22 साल का है, वह भी कुछ समझ नहीं पाया। मेरे मायके वाले पापा के जिस सांसद ने SP को कॉल किया था, उनसे अच्छे संबंध थे, और मामा ससुर, मेरे चचेरे जेठ सब वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसलिए मेरे पति ने FIR लिख गई है, ये नहीं बताया होता तो मेरे पति को ऐसे ही छोड़ दिया जाता, पर इस नासमझी के कारण उनका चालान हो गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। वही मेरे देवर ने वकील किया, पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो अच्छा वकील भी नहीं था, इसलिए मेरे पति की जमानत लोअर मैजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं हो पाई। और मैं आपको ये बताना भूल गई कि कोतवाली में जाकर मुझे पता चला कि वो लड़की जिसके कारण ये सब हुआ, वो धंधे वाली है। पुलिस ने बताया कि ये अक्सर ऐसा करती है, इसे लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। जयेश भाई, मेरे पति के साथ ये सब हुआ, ये देख कर मैं रो रो कर पूरी तरह से टूट गई थी, सिर्फ भगवान भगवान कर रही थी। मेरे मायके में मम्मी पापा दोनों हार्ट पेशेंट है, इसलिए मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकती, और मेरा कोई भाई भी नहीं है, हम सिर्फ 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और ससुराल में मेरे सास ससुर और एक देवर है। मेरे ससुर बहुत ही सीधे हैं, जो ज्यादा किसी दुनियादारी को नहीं जानते हैं। हम सब तो सिर्फ रो रहे थे, और जब पता चला कि वकील सही नहीं है, तो हम सब पूरी तरह से टूट चुके थे, और वो वकील हमें जमानत रद्द होने के पेपर भी नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने पेपर देकर हमारा केस छोड़ा। जयेश भाई, मेरा दिमाग सुन हो गया था, आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सुंदरकांड पाठ के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैंने उस समय 11 दिनों का पाठ मान लिया। हमारे पड़ोस में एक लड़का है जो कि एक वकील है, पर वो किसी दूसरे वकील के अंडर काम सीख रहा था। मैंने उसे बुलाकर सारी बात बताई और उससे कहा कि हमें शहर का सबसे बड़ा वकील करना है और कल के कल जमानत के लिए एप्लीकेशन डालनी है। तो उसने मुझे शहर के एक बड़े वकील के बारे में बताया, और वे वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, पर वे छोड़ा हुआ केस नहीं लेंगे, उनकी फीस भी 50,000 रुपए है, और कल के कल पेपर तैयार कर बेल एप्लीकेशन कोई वकील नहीं डाल पाएगा। और उसने मेरी कई वकीलों से बात भी कराई, पर कल के लिए कोई तैयार नहीं था, सब 1-2 दिन का टाइम मांग रहे थे। जयेश भाई, ये सब देखकर और सुनकर मैं और मेरा देवर और ज्यादा परेशान हो गए। फिर अगले दिन सुबह नहा कर मैं सुंदर कांड, श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करने बैठी, और पूजा करके मैंने अपने देवर और पड़ोसी लड़के से कहा कि मुझे एक बार उस वकील से, जो कि शहर के सबसे बड़े वकील है, उनसे मिलवा दो। तब उन्होंने कहा तो चलो आप मिल लो, पर कोई फायदा नहीं है। फिर मैं उन दोनों के साथ शाम को उस वकील से मिलने गई। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, श्री हनुमान जी का चमत्कार तो देखिए कि उस बड़े वकील ने मेरे एक बार कहने पर ही मेरा केस ले लिया। और जब मैंने फीस पूछी तो वे बोले, फीस नहीं, ततो मुझे सिर्फ पेपर और मुंशी के लिए 4,000 रुपए दे देना और निश्चित होकर घर जाओ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, रोना बिल्कुल मत, कल ही बेल एप्लीकेशन पड़ेगी और जो डेट मिलेगी उसी डेट पर जमानत हो जाएगी। जयेश भाई, वकील साहब मेरे पापा की उम्र के थे, यानी 65 साल के आसपास, और 10 सितंबर 2019 को उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी और डेट लगी 25 सितंबर की। मेरे पति और जो दो लोग थे उन सब पर देह व्यापार का केस लगाया गया था, और उस समय जो जिला जज थे वो जल्दी जल्दी जमानत नहीं देते थे, और कोर्ट नंबर 2 के जज ने तो आज तक एक भी जमानत नहीं दी थी। ये सब सुनकर तो हम ज्यादा घबरा गए थे, और सब कचहरी में बोलते कि यहाँ जमानत नहीं हो पाएगी, हाई कोर्ट की तैयारी करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ पाठ किया। मैं हर रोज 1 बार सुंदरकांड, 7 बार श्री हनुमान चालीसा, 5 बार हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करने लगी। कभी कभी तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि सुबह से शाम 6 बजे तक मैंने कितने पाठ किए। मैंने सब कुछ श्री हनुमान जी पर छोड़ दिया था और उनसे कहा था कि प्रभु, सब कुछ असंभव है, पर आपको 25 सितंबर को मेरे पति को, जो कि बेकसूर है, उन्हें घर लाना है, और आपने अगर ये नहीं किया तो
तो मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। और मैं 11 दिनों तक लगातार प्रभु से प्रार्थना करती रही। 25 सितंबर को भी मैं नहाकर पूजा करने बैठ गई। मेरे चाचा जी और देवर दोनों कोर्ट चले गए। मैंने श्री हनुमान जी से कहा कि मैं फोन करके जमानत का पता नहीं करूंगी और तब तक यहाँ बैठकर बजरंग बाण का पाठ करती रहूंगी जब तक आप वहां से फोन करवा कर मुझे नहीं बता देते कि जमानत हो गई है। जमानत हो जाने के तुरंत बाद 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाकर ही उठूंगी। ये बोलकर मैं पाठ करती ही जा रही थी। तभी लगभग 1 से 2 बजे मेरे देवर ने मेरी सास को फोन करके बताया कि जज उठ गए हैं और केस भी उनके पास गया था, जो जज साहब किसी को जमानत नहीं देते। जिला जज छुट्टी पर है, सब कह रहे हैं कि रिजल्ट नेगेटिव है, पता नहीं क्या हुआ है। पर जयेश भैया, मैं ये सब सुन रही थी और पूरे भरोसे के साथ पाठ कर रही थी। और शाम के 5 बजे मेरे देवर ने मुझसे बात करने के लिए मेरे फोन पर कॉल किया। मैं पाठ कर रही थी, मेरी सास ने फोन उठाकर स्पीकर ऑन कर दिया। मेरे देवर ने सिर्फ इतना कहा, हो गई है, और वो रोने लगा। ये सुनकर इधर हम सब रोने लगे। मैंने तुरंत श्री हनुमान जी को धन्यवाद किया और प्रसाद चढ़ाया। जयेश भाई, आज ये सब लिखते हुए भी मैं रो रही हूँ। ये श्री हनुमान जी की कृपा ही थी, जो मेरे पड़ोस का लड़का जो कि वकील है, उसने और मेरे चाचा ने और सब ने यही कहा कि असंभव कार्य संभव हुआ है। ये जज साहब पहली बार इस जिले में आने के बाद रिहाई लिखे हैं। जयेश भाई, मेरा कोई भाई नहीं है और तभी से मैंने श्री हनुमान जी को अपना भाई माना है। और इस साल मैंने उन्हें रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधी थी। और तब से मैं हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और रोज 11 बार श्री हनुमान चालीसा, 5 बार हनुमान अष्टक और बजरंग बाण पढ़ती हूँ। मैं श्री हनुमान जी की सुबह, शाम, रात 3 बार पूजा करती हूँ। मैं उनकी महिमा के बारे में क्या बताऊँ, मेरे पास अब शब्द नहीं है। मैं जब भी उनसे प्रार्थना करती हूँ तो वे जरूर सुनते हैं। आखिर में बस यही कहूंगी कि उन पर अटूट विश्वास रखिए, श्री हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।